जनपद के मधु टांडा सड़क पर मुख्य पुलिया टूटने से पिछले डेढ़ महीने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद पुलिया का निर्माण पूरा नहीं हुआ और हाल ही में बारिश के बहाव में बह गया। पीलीभीत सांसद के दौरे के बाद स्थानीय लोगों की नाराजगी के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी अफसरों ने पुलिया के पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया है। कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। नाबालिग अपनी बुआ के साथ नौकरी के लिए डिग्री कॉलेज गई थी, जहां सपा नेता ने छेड़छाड़ की, जिसकी सूचना बुआ ने पुलिस को दी, जिसके बाद नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। महौली हरगांव मार्ग पर तकिया चौराहे पर सड़क हादसे में दो कांवड़िया घायल हो गए। आरोप है कि एक अज्ञात कार चालक ने कांवड़िए के पैर को कुचल दिया, जिससे वो घायल हो गया। घायल कांवड़ियों को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। हादसे के बाद आक्रोशित कांवड़ियों ने स्टेट हाईवे जाम किया। लखनऊ के नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टूरियागंज में रिश्वत लेने के आरोप सामने आया है। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने उसकी बहन की प्रेगनेंसी के मामले में 2500 रुपए की रिश्वत ली और अपमानजनक व्यवहार किया। व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की सुधार मुहिम को सवालों के घेरे में डाल दिया है। आगामी राष्ट्रीय पर्वों जैसे स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के साथ साथ पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी ने संयुक्त रूप से एक व्यापक चेकिंग अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव करना है। लखनऊ में नगर निगम की लापरवाही से एक गाय सीवर के खुले गड्ढे में गिर गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और नगर निगम की टीम ने 40 मिनट की मेहनत के बाद जेसीबी से गाय को रेस्क्यू किया। गड्ढा खुला था, नगर निगम की लचर व्यवस्था की पोल खुल गई, जिससे पूर्व में कई बार बंद करने की भी मांग की गई थी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टरों ने कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की घटना के विरोध में हड़ताल कर दी। हड़ताल के बाद ओपीडी और मेडिकल सेवाएं प्रभावित हुई, लेकिन गंभीर मरीजों के लिए आपातकालीन सेवाएं जारी रहीं। KGMU PGI और लोहिया के डॉक्टर भी हड़ताल में शामिल हुए, जिससे ओपीडी में मरीजों की देखभाल प्रभावित हो रही है। हमीरपुर के पतारा गांव में दिनदहाड़े एक किसान को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दबंगों ने मर्डर के बाद शव को फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और इलाके में मामले से दहशत फैल गई है। झांसी के गुरसराय में सावन के चौथे सोमवार को भक्त प्रहलाद की नगरी RH गुरसराय तक सैकड़ों कांवड़िया बेतवा नदी से जल भरकर डीजे के साथ नाचते हुए यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान कांवड़ियों ने बम बम भोले के जयकारे लगाए और फलाहार व खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया। महोबा के जकरिया पीर मोहाल निवासी एक व्यक्ति ने पारिवारिक कलह के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं चिकित्सालय प्रशासन ने मृतक के शव को मुर्दा घर में रखवाकर पुलिस को मामले की सूचना दी। महोबा में राज रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर एक नील गाय से हुई, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के दिनदहाड़े लूट की घटना हुई है। व्यापारी से 50,000 रुपए ठग लिए गए और मोबाइल भी लूट लिया गया। लूट की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया और CEO और SP देहात ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। तीन अज्ञात बदमाशों ने नादा में लगने वाले साप्ताहिक बाजार जा रहे व्यापारी को निशाना बनाया। पुलिस लूट की जांच में जुटी है। गोलागंज के प्राथमिक विद्यालय झाऊलाल में जर्जर भवन की वजह से मासूम बच्चे परेशान हैं। स्कूल की दीवारें और छतों में दरारें हैं, जिससे बारिश का पानी टपकता रहता है। इस स्कूल के अलावा वजीरगंज और चुक मंडी के दो अन्य जर्जर स्कूलों के बच्चों को भी स्थानांतरित किया गया है। विद्यालय में पढ़ाई जारी रखने के लिए बच्चों को इन दयनीय हालातों में पढ़ाई करनी पड़ रही है। जालौन के ग्राम छीरिया सलेमपुर में लगातार बारिश से गरीब का कच्चा मकान गिर गया। मकान के मलबे में घर का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। परिजनों ने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है।